हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आपको एक बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के द्वारा हम देने जा रहे हैं और वो जानकारी है खर मास को लेके। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वर्ष की 16 दिसंबर सन 2022 पूस का महीना यानी पौष माह का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन होगा शुक्रवार, उस दिन से ये खर मास आरंभ हो रहा है। यानी कि 16 दिसंबर सन 2022 दिन शुक्रवार, अष्टमी तिथि, पूस का महीना, कृष्ण पक्ष। और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 14 जनवरी सन 2023 माह के महीने की, जो 14 तारीख आएगी जनवरी की 2023 की, माह का महीना होगा और सप्तम यानी कि सप्तमी तिथि होगी और दिन होगा शनिवार का। उस दिन ये समाप्त होगा 14 जनवरी 2023 को। खर मास लगभग एक महीना। तो खर मास क्या है, या खर मास को हम मल मास भी कह देते हैं प्रिय साथियों? तो देखिए, खर माने तो गधे होता है, खर का मतलब। इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो सूर्य देवता की गति से है, स्पीड से है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि सूर्य देव रुकते नहीं हैं, चलायमान चलते रहते हैं। वो उनके साथ जो अश्व हैं, घोड़े हैं, उन पर उनका रथ जो है वो चलता रहता है। और लेकिन खरमास इसीलिए कहा गया है कि जब बीच में वर्ष में दो बार ऐसा समय आता है कि जब सूर्य देवता की गति धीमी हो जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो खरमास है, इसीलिए इसका नाम खरमास पड़ा था हमारे शास्त्रों के अनुसार, कि जब सूर्य देवता क्योंकि लगातार चलते हैं, उनकी गति, वो रुकते तो है नहीं, अब वो जब उनके घोड़ों को थोड़ा आराम की ज़रूरत थी, प्यास लग रही थी, तो एक तालाब के पास जब तालाब मिल गया उनको, सूर्य देवता को, तो वहाँ उन्होंने अपना रथ रोक करके घोड़े निकाल करके और जो उनके साथ घोड़े थे तालाब के किनारे के, भाई ये पानी पी लेंगे और यहाँ पर ये कुछ रेस्ट भी कर लेंगे। वो उन्होंने तब किया जब उनको दो गधे दिखाई दे गए वहाँ। तो रथ में उन्होंने अपने उनको गधों को जोड़ लिया और वो अपना उन गधों के सहारे चलते रहे, क्योंकि रुक तो सकते नहीं है। तो वो स्पीड बहुत कम हो गई, कहाँ गधों की स्पीड और कहाँ घोड़ों की स्पीड, बहुत रात और दिन का फर्क है। तो इसी करके ये जो है इसको खर मास का नाम भी दिया गया है, या मल मास भी कहा गया है। तो आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाते हैं खर मास के, और हम आपको पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आपको देने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, खर मास के महीनों को शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। ये जो खर मास का जो समय आता है ना वर्ष में दो बार, इसको अच्छा और शुभ नहीं माना गया है। और इस दौरान क्या चीज़ पर पाबंदी होती है? इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने की पूरी तरह से मनाही होती है। साथ ही कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक माना गया है हमारे शास्त्रों के कथन के अनुसार। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है संपन्न, और इस अवधि में सूर्य की चाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए खर मास या मल मास को मांगलिक कार्यों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। ये खर मास या मल मास वर्ष में दो बार, जैसा मैंने अभी कहा, कि पड़ता है, और एक जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब से, और दूसरी बार वर्ष में पड़ता है तब से जब वो सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। और ये दोनों ही राशियों के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। तो यानी कि बृहस्पति की जब राशियों में उनका प्रवेश होता है सूर्यदेव का, तब ये खर मास या मल मास आरंभ होता है, और जब तक वो रहते हैं इन राशियों में। तो ये दोनों ही राशियां, जैसा मैंने कहा, कि गुरु बृहस्पति की हैं, और जब तक सूर्य इन राशि में रहते हैं खर मास बना रहता है साथियों। और इस खर मास की अवधि में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और किए जाने भी नहीं चाहिए। खर मास के कुछ आवश्यक नियम हैं। ऐसी मान्यता है
कि इस खरमास की अवधि में, जैसा मैंने अभी बताया भी कि सूर्य की जो गति है, स्पीड है, वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ही स्लो, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो शुभ कार्य हैं वो सूर्य देव की गति के साथ जुड़े हुए हैं हमारे शास्त्रों के कथन के अनुसार। तो क्योंकि जब खरमास नहीं होता है तो सूर्य देव की स्पीड पूरी होती है, बराबर बनी रहती है, तो उस समय ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वो किए जाने चाहिए। अब कौन से वो शुभ और मांगलिक कार्य हैं, जैसे कि विवाह हो गया, सगाई हुआ और वधू का प्रवेश घर में, गृह प्रवेश, गृह का निर्माण आरंभ करना, तथा कोई नया व्यापार अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए, ऐसे शुभ कार्यों को, ऐसे मांगलिक कार्यों को करने की मनाही है हमारे शास्त्रों में। या फिर नामकरण हो गया या मुंडन आदि भी नहीं करना चाहिए ऐसे में। खरमास एक ऐसा माह है साथियों, ये जो अवधि है खरमास की, इसमें जौ, यानी कि एक तरीके से चाहे वो जो आप कोई भी दान अगर आप कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो उसका आपको बहुत ही सर्वाधिक फल प्राप्त होता है, बहुत पुण्य लगता है जो भी आप दान कर रहे हैं, और इस महीने में जरूरतमंद तथा गरीबों की मदद करने से बहुत पुण्य मिलता है। गरीबों की मदद करिए इस खरमास की अवधि में, और जो जरूरतमंद है, नीडी पीपल हैं, उनकी आप हेल्प करें, बहुत पुण्य लगेगा आपको। और इस अवधि में अपनी सेहत और समृद्धि के लिए प्रत्येक दिन सूर्य देवता को जल जरूर दें, उनको जल अर्पित जरूर करें। सूर्यदेव के उदय होने से पहले आप स्नान करिए और चढ़ते सूर्य को अर्ध में अर्ध दें, आप जल दें, और इससे आपकी जो मनोवंज मतलब इच्छाएं हैं, जो आपके मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं, अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती है आपको। और इस अवधि में अगर आप गौ की सेवा करते हैं, जितना अधिक गौ की सेवा करेंगे उसका भी बहुत विशेष महत्व माना गया है, इसलिए गायों को गुड़ तथा हरा चारा जरूर खिलाएं, अगर खिला सकते हैं तो। और प्रिय साथियों, अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो अगर संभव नहीं है गाय की सेवा करना, कोई बात नहीं, आप फिर एक कार्य और कर सकते हैं कि घर में अपने गाय की मूर्ति या उसकी तस्वीर गौ माता की, वो आप लगा सकते हैं और पूरे माह आप उसकी पूजा कर सकते हैं, पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की आपके ऊपर विशेष कृपा मिलेगी, आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी भगवान श्री कृष्ण जी की। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि वैवाहिक कार्य हुए, गृह प्रवेश हुआ, भूमि पूजन, मुंडन, तिलक आदि का जो कार्य होता है शुभ कार्य, उस ये जो हमने अभी कुछ और भी बताए हैं, नामकरण भी बताया, मुंडन भी बताया, तो इस खरमास की अवधि में ऐसा कोई भी बड़ा शुभ और मांगलिक कार्य अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर करेंगे, अगर आप करते हैं खरमास या मलमास के दौरान कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य, तो फिर उससे क्या होगा कि आपको अशुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। यूं तो क्या है कि शुभ मुहूर्त निकलते हैं, बराबर ऐसा नहीं है कि खरमास में नहीं निकलते हैं, उसमें भी निकलते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना ठीक है इस अवधि में। हम ये बता रहे हैं कि खरमास के दौरान उनको आप पूरी तरह से इग्नोर करें। और इस माह लोगों की किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी आपको बचना है खरमास के दौरान, किसी के साथ कोई हीटेड आर्गुमेंट्स या कोई कंट्रावर्सी में भी आप ना पड़ें किसी तरीके की, किसी भी प्रकार की। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए खरमास की अवधि में, मांस मदिरा ऐसी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके भी बड़े अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं ऐसा करने पर। और खरमास में, यानी कि खरमास की अवधि में भगवान विष्णु जी की पूजा करना, तो बात ही क्या है, बहुत ही उसका अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, बहुत अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है जातक को जो भी भगवान विष्णु जी की पूजा करता है। इस समय अवधि में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है सीधे रूप से आपके घर में,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित प्रतिदिन करें, चाहे 10 ही मिनट करें, तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी साथ की साथ आप करें नियमित रूप से। और शाम के समय तुलसी माता का जो पौधा होता है उसके सामने देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। तो ऐसा करने पर आपकी जो निजी समस्याएं हैं या घरेलू समस्याएं हैं या जितनी भी समस्याएं हैं उनमें देखिए कि कितनी कमी आती है और कितनी वो दूर होती हैं। करके देखिए आप एक बार, आपको इसका अनुभव स्वयं को हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो हमने आपको आज जानकारी दी है खरमास या मलमास के विषय में, उसकी हमने समय अवधि भी बता दी, 16 दिसंबर 2022 से लेकर के 14 जनवरी 2023 तक। कौन कौन से वो शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और क्या करना चाहिए जिसके करने पर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति हो, आपके भाग्य में वृद्धि हो, भाग्य का सपोर्ट मिले, मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हो, तो वो कार्य आप जरूर करें। तो ये था खरमास को लेकर के हमारा कार्यक्रम। आपको पसंद आया प्रिय साथियों तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके और वे भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की सीधी नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोज़ बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।